6 महीना पूरा हुआ है अभी इसको बच्चा दिए हुए, और देखिए इतना दूध निकाले हैं, देख लीजिए दोस्तों पूरा 1 बाल्टी दूध, इतना ज़्यादा दूध निकाले हैं दोस्तों। देखिए क्या खिलाते हैं हम लोग, कितना दूध देती है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सब लोगों का गोपी अर्चना ब्लॉग में दोस्तों। हाय दोस्तों, और दोस्तों देखिए इधर हम लोगों का भात बन चुका है और दाल भी बन गया है सवेरे सवेरे, और देखिए ये क्या बन रहा है दोस्तों, दिखाइए जी। ये देखिए दोस्तों, कोहरा का मतलब फूल, जो कोहरा होता है ना सब्जी वाला कोहरा, तो उसका फूल है दोस्तों, फूल भी नहीं है उसका कली है। देखिए ऐसे लकड़ी में सबको गूंथ देंगे और पका करके चोखा बनाएंगे इसका चटनी। तो दोस्तों अभी सुबह का 7:30 हो रहा है, देखिए और इधर सूर्य देव दर्शन दिए हुए हैं, और दोस्तों अभी हम चलते हैं आतवरिया का दूध निकालने, क्योंकि दूध लेके बाज़ार भी जाना है, और दोस्तों बाज़ार से आएंगे तो तालाब घर में काम करना है। कल का छप्पर लगा दिए हैं दोनों तरफ का, बढ़िया से बना देंगे, उसके बाद नीचे वाला ये दीवार के जैसे टाट लगाएंगे। और बाबू उधर पढ़ रहा है दोस्तों, मार साहब आए हैं उसको पढ़ा रहे हैं। आओ अर्चना, बाल्टी लाओ अर्चना। और दोस्तों देखिए इधर नंदू को खोल दिए हैं, दूध पी रहा है, गोबर हटा दीजिए। हाँ लो पकड़ो, दिखाओ। और दोस्तों देखिए रस्सी लगा रहे हैं गाय को, दिखाओ। देखिए दोस्तों हमारी गाय पहना गई है, अब इसका थान धो देते हैं, अब दूध निकालेंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों हमारा गाय का दूध निकाला हुआ हो रहा है, निकाल रहे हैं। देखिए दोस्तों बाबू भी पढ़ के आ गया, जड़वत रहा। देखिए इसको ठंडा लग रहा था सवेरे में, तो जैकेट पहन लिया है। निकाल दो। और देखिए दोस्तों 6 महीना हो गया हमारे गाय को बच्चा दिए हुए, लेकिन अभी भी इतना दूध है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं पूरा दूध निकाल करके, तो पूरा दूध निकाल लेते हैं फिर उसके बाद दिखाते हैं आप लोगों को। और दोस्तों देखिए हमारा अभी इतना दूध निकाला हुआ है दोस्तों, और अभी दूध निकालेंगे, बाल्टी के पास लाइए, अभी दूध और देगी दोस्तों। तो देखिए अभी हमारी गाय 6 महीना हो गया बच्चा दिए हुए, अभी इतना दूध दे रही है, अभी निकालना बाकी है दूध, अभी पूरा दूध निकालेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों। और दोस्तों देखिए अभी हमारा दूध इतना निकाला गया है दोस्तों, ये देखिए अभी आप लोग जानिएगा कि हम लोग क्या खिलाते हैं, कि इतना दूध देती है, अभी 6 महीना हो गया इसको, और विश्वास नहीं है तो हमारा चैनल जब का बना हुआ है, जब ही हमारी गाय बच्चा दी थी दोस्तों, आप लोग पहले से ही वीडियो देख सकते हैं पहले वाला, कि शुरू से ही हम वीडियो डालते हैं इसका। 6 महीना पूरा हुआ है अभी इसको बच्चा दिए हुए, और देखिए इतना दूध निकाले हैं, देख लीजिए दोस्तों पूरा 1 बाल्टी दूध, इतना ज़्यादा दूध निकाले हैं दोस्तों। देखिए क्या खिलाते हैं हम लोग, कितना दूध देती है, आप लोगों को बताएंगे कभी किसी वीडियो में दोस्तों। अर्चना डब्बा धो दी हो। और देखिए दोस्तों हमारा दूध इधर नापा जा रहा है डब्बे में, और अर्चना की मम्मी नाप रही हैं, और नाप देंगी तो दोस्तों हम अभी खाना वाना खाएंगे, और रोज़ के जैसे बाज़ार निकलेंगे और दूध दे करके आएंगे दोस्तों। तब तक दोपहर हो जाता है, आएंगे तो चारा वारा काट लेंगे, और उसके बाद से दोस्तों चलेंगे तालाब घर में। 6 महीना हो गया, देखिए अभी इसके पास कितना दूध है, और क्या खिलाते हैं, इसका राज है, कहाँ है छोटी, कितना घटा है थोड़ा सा दोस्तों, ये कितना हो गया 1 किलो, और 1 किलो हो गया दोस्तों, ये देखिए 2.5 किलो और 1/2 किलो, 3 किलो और 1.5 किलो, 4.5 किलो और 1 किलो, 5.5 किलो, मतलब इतना सा कम था, मान लीजिए 5.5 नहीं 5 किलो एक पाव, चाहे 5 ही लीटर मान लीजिए, फिर भी अभी दोनों वक्त का मिला के 10 लीटर दूध है हमारे गाय के पास।
तो इसमें खिलाने पिलाने की रीजन है दोस्तों, बहुत से लोग देखते हैं कि दूध नहीं दे रही है, दूध नहीं दे रही है, दूध कहाँ से देगी। दूध पे हम फोकस नहीं करते हैं दोस्तों, हम बस इसके आहार पे, खिलाने पिलाने पे, हरा चारा पे, हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं। दूध तो अपने आप देगी, जब खिलाएंगे तो रखेगी कहाँ। हाँ, बासी दूध में से डाल दीजिए। तो दोस्तों हम खिलाने पिलाने मतलब दूध पे ध्यान नहीं देते हैं, जब उसके शरीर में रहेगा ही नहीं तो देगी कहाँ से। और देखिए दोस्तों, इधर खाना वाना हम खा लिए हैं, अर्चना खाली ले जाओ और झोला लाओ, झोला लाओ, दूध रखिए जी। और दोस्तों देखिए, अब चलेंगे हम बाजार और आएंगे तो तालाब घर में काम करेंगे। और ये लकड़िया भैया तुम पसा दिया सूखे के, हाँ हमें होगा। और दोस्तों देखिए, दूध देकर के हम उसी समय आ गए थे और हम लोग चले गए थे दोस्तों हरा चारा लाने, और हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था दोस्तों, चार्ज में लगा के गए थे। तो आ गए हैं, हरा चारा लेकर के उधर रखे हैं। और अतौरिया को देखिए इधर, अभी भूसा चोकर फिलहाल में हम लोग खिला रहे थे इसको। और दोस्तों चलते हैं अब तालाब घर में काम करने के लिए, बांस फाड़ना है दोस्तों। देखिए अर्चना की मम्मी उधर बर्तन वर्तन धोने के लिए लाई हुई है, ये इधर बर्तन धोएंगी जब तक हम बांस फाड़ते हैं दोस्तों। वो जो नीचे का जमीन बनाना है उसको बनाएंगे आज, और बांस उधर से लाते हैं एक। और दोस्तों देखिए इधर आ गए हैं, बांस ले चलते हैं, पानी में है तो इसको ले चलेंगे और फाड़ेंगे उधर। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ला दिए, अब इसको फाड़ेंगे, पहले सेर देते हैं। और देखिए दोस्तों, बांस को हम काट रहे हैं, छोटा थोड़ा सा करना पड़ेगा, बड़ा है, और इसको सेर के फाड़ेंगे। देखिए दोस्तों, बांस को फाड़ने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसी तरह से सबको फाड़ लेंगे। और दोस्तों देखिए, इतना बाती फाड़ लिए हैं और इसको अब साफ कर देते हैं, उसके बाद लेके चलेंगे तालाब घर में दोस्तों। और दोस्तों देखिए, सब बाती को सेर दिए हैं, साफ कर दिए हैं, और लास्ट बाती एक बचा हुआ है तो इसको भी हम साफ कर लेते हैं। तब चलते हैं तालाब घर में, इसको उधर ले जाके ठोकेंगे कांटी से, जमीन बनाएंगे। अरे पवन आ गई लगा हो, हाँ मरते चलो ना, तनी है तनी हाथ बटा दो, कहाँ गए दोस्तों। ये भी पवन आ गए, इधर नदी के ओर गए थे तो सोच रहे कि थोड़ा सा हाथ बटा देंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि शाम हो गया है। तो एक बात ही बचा हुआ, अभी सेर लेते हैं, कोई काम नहीं ना घर पे, तो चलो बाबू थोड़ा सा हाथ बटाओ। दोस्तों देखिए, अब हम लोग बाती लेकर के चलते हैं तालाब घर में, चलो अच्छा। आ जाओ बाबू मोबाइल लेके, आइए जी आगे आ जाइए। दोस्तों देखिए, इधर लेके आ गए हैं हम लोग, अब उधर जमीन वाला वो जगह को बनाएंगे, ठोकेंगे कांटी से। और देखिए दोस्तों, इधर हम लोग बाती को इस पार कर लिए हैं और इसको अभी ठोकना स्टार्ट करेंगे। हाँ दिखाओ अर्चना अब। और देखिए दोस्तों, कितना अच्छा दिख रहा है, अभी इसको जल्दी जल्दी फाइनल कर रहे हैं दोस्तों, कि 4-5 दिन में 10 दिन में हो जाए रहने के लिए। हाँ के हाँ एक काकड़ तरबू
अरे यह तालाब घर का काम हो रहा है। बन गए घर वाला? देखिए दोस्तों, एक लड़का और देखने के लिए आ गया। हाँ बन रहा है बाबू, अभी तो आप बना रहे हैं, आज कई दिन पर इसमें काम लगाए हैं। लो अर्चना दिखाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। देखिए दोस्तों, मेरे तालाब घर बन रहा है। और इधर दिखाओ दोस्तों, देखिए अर्चना बोल रही है तालाब घर बन रहा है। इधर आ जाओ, इधर कौन आ जाओ, कहाँ लेके चलो ले बाहरी। दोस्तों इसको फटाफट हम लोग ठोक लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, मेरा तालाब घर बन रहा है। हाँ दोस्तों देखिए, हम लोग बना रहे हैं, धीरे धीरे शाम होता जा रहा है, सोच रहे हैं जल्दी जल्दी बना ले, देखिएगा गड़बड़ ना हो जाए। हाँ ठोकी ठोकी ठोकी। हाँ और दोस्तों देखिए, अंधेरा हो गया बनाते बनाते, और देखिए इतना बना लिए हैं हम लोग, ये वाला पहले कहा, और ये जो हरा हरा दिख रहा है ये आज बनाया है। अभी पवन उधर ठोक रहे हैं, अर्चना इधर घूम रही है। हो गया जी पवन? हाँ तो आइए इधर, अंधेरा हो गया है दोस्तों, तो अभी उस घर पे चलेंगे। गाय का दूध भी निकालना है और खाना वाना सब बनाना ही पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सभी लोग बाय करिए। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान दोस्तों।